कोई भी स्मार्टफोन में कितने साल का अपडेट होता है। साथ ही इससे दूसरा सवाल जुड़ा है कि कौन से कंपनी का स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा दिन का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर ऑल करिए ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आमतौर पर हम जब भी स्मार्टफोन परचेज करते हैं सबसे पहले देखते हैं लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वही वाला स्मार्टफोन हम परचेज करते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर कभी न कभी उठा होगा कि दुनिया में कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें सबसे ज्यादा एंड्रॉइड का अपडेट मिलता है, या फिर आप इसमें सवाल ये भी खड़ा होता होगा कि किस स्मार्टफोन में अभी कितने साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है। आइए पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाके ऑल कर दिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर में कोई भी स्मार्टफोन हो अभी के डेट पे अपडेट मिल ही रहा है, लेकिन नॉर्मली या एवरेज कहा जाए स्मार्टफोन में आपको 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे स्मार्टफोन का लिस्ट है। जैसा कि मैं बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज में आपको 4 साल का OS एंड 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल रहे हैं, वैसे ही आपको ओप्पो, रियलमी एंड बहुत सारे OnePlus बहुत सारे स्मार्टफोन में ये फीचर्स ये अपडेट्स आपको मिल रहा है। लेकिन बता दूं, एक ऐसे स्मार्टफोन कंपनी है जिसका नाम है आपको Google, और ये अपने स्मार्टफोन में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 7 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स मिल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं फोन बदलने का टेंशन खत्म हो गया। अब 7 साल तक का आपका फोन बिल्कुल नया रहेगा। और बता दो, एंड्रॉइड अपडेट नहीं रहने से आपका फोन स्लो हो जाता है, ठीक से काम नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पे वर्क नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको भी पता है कि आपका स्मार्टफोन अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक आपका स्मार्टफोन बहुत फास्ट काम करेगा। बहुत सारे लोग का मैथ्स ये भी है कि ये स्मार्टफोन को अपडेट करने से आपका फोन स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है या फिर ठीक ठाक से काम नहीं करता है। तो मैं बता दूं, ये हो सकता है बहुत कम लोग के स्मार्टफोन में, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आपका रैम बहुत कम है और आपने बहुत सारे अपडेट कर रखा अपने फोन में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका फोन स्लो हो जाएगा। ये कहीं से 2-3 मत की बात नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रैम या स्टोरेज बहुत ज्यादा है तो आप बहुत सारे अपडेट्स अपने फोन पे ले सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि आपका फोन रैम कम है या स्टोरेज कम है, अगर आपने अपडेट कर रखा है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इश्यू आएगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और